वेलकम टू केमिस्ट्री वर्ल्ड। और आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन लेंथानाइड्स एंड एक्टिनाइड्स। सो ज़्यादा से ज़्यादा हम डिफरेंस इनमें स्टडी करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले लेंथानाइड्स जो हैं ये साइज़ में जो हैं स्मॉल होते हैं एज़ कम्पेयर टू एक्टिनाइड्स, क्योंकि एक्टिनाइड्स का जो साइज़ है वो थोड़ा सा लार्ज होता है क्योंकि इनके अंदर ज़्यादा शेल्स होती हैं। तो इसका फर्स्ट पॉइंट आएगा लार्ज साइज़। सेकेंडली हमारे पास आ जाती हैं लेंथानाइड्स जिनमें नोडल प्लेन नहीं होता, नो नोडल प्लेन, जबकि एक्टिनाइड्स जो हैं इनके अंदर नोडल प्लेन होता है, नोडल प्लेन। थर्ड हमारे पास डिफरेंस आ जाता है ये लेस डिस्पर्स होते हैं क्योंकि इनके जो अंदर वाले शेल्स हैं वो कवर होते हैं और कॉम्प्लेक्स बनाने में भी मदद नहीं करते, इसलिए ये लेस डिस्पर्स होती हैं और ये मोर डिस्पर्स होती हैं। लेस डिस्पर्स हैं इसलिए साइज़ थोड़ा स्मॉल था। फोर्थ पॉइंट हमारे पास आ जाता है इनका शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होता है, लेस डिस्पर्स हैं तो शील्डिंग इफेक्ट तो ज़्यादा ही होगा, मोर शील्डिंग इफेक्ट, और इनका शील्डिंग इफेक्ट कम होता है थोड़ा सा, सो लेस शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट। फिफ्थ पॉइंट हमारे पास आ जाता है मोर पेनीट्रेटेड, ये बहुत ज़्यादा पेनीट्रेटेड होते हैं, पेनीट्रेट हो जाती है इनमें से चीज़ें पेनीट्रेटेड, और ये थोड़े से लेस पेनीट्रेटेड हैं। फाइव लेस पेनीट्रेटेड। सिक्स डिफरेंस इज लेस इन्वॉल्व्ड इन बॉन्डिंग, सो बॉन्डिंग में ये लेस इन्वॉल्व होते हैं क्योंकि साइज छोटा है, नॉन ऑर्डर्ड प्लेन है, लेस डिस्पर्स हैं, शील्डिंग इफेक्ट भी ज़्यादा है, सो ये लेस इन्वॉल्व्ड इन बॉन्डिंग, और ये क्या होती हैं मोर इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग, मोर। आगे आप लोग लिख लीजिएगा। उसके बाद सेवन्थ पॉइंट हमारे पास आ जाता है कि ये फोर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स इनको कहा जाता है, और इनको क्या कहा जाता है, को फाइव एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, इनमें फिफ्थ ऑर्बिटल भी होता है। एट इनकी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन बहुत कम करते हैं, लेस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन इज लेस एज कम्पेयर टू एक्टिनाइड्स, मोर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, मोर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। सो ये था जी डिफरेंस बिटवीन लेंथानाइड्स एंड एक्टिनाइड्स। पहला डिफरेंस साइज स्मॉल था, एक्टिनाइड्स का साइज लार्ज था। सेकंड डिफरेंस नो नोडल प्लेन, इसमें नोडल प्लेन मौजूद होता है। ये लेस डिस्पर्स होती हैं, वो मोर डिस्पर्स होते हैं, इनमें मोर शील्डिंग इफेक्ट होता है, इनमें लेस शील्डिंग इफेक्ट होता है, ये मोर पेनीट्रेटेड होती हैं और ये लेस पेनीट्रेटेड होती हैं, ये बॉन्डिंग कम बनाती हैं और ये मोर इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग होती हैं, फोर एफ ब्लॉक में होती हैं और ये फाइव एफ ब्लॉक में होती हैं, इनके अंदर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन बहुत कम होती है, इनके अंदर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन जो है वो ज़्यादा होती है। सो यही थे डिफरेंस बिटवीन लेंथानाइड एंड एक्टिनाइड। इधर हमारे पास हमारी द एफ ब्लॉक एलिमेंट की पूरी सीरीज़ वीडियोज़ की ख़त्म होती है। ये हमारा लास्ट टॉपिक था द एफ ब्लॉक एलिमेंट लेंथानाइड एंड एक्टिनाइड्स में। सो इफ़ यू लाइक दैट सीरीज़ प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स।